बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरात पसुम। लास्ट डे हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और बी इक्वल हो इसके, तो देन हमें फाइंड क्या करना है। हमें ये पार्ट वन हम लेके चल रहे हैं, इसके दो पार्ट है, पार्ट वन हम लोग लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 3A - 2B। तो हमें पता है ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो 3 एज इट इज़ आ जाता है, और ए की जगह पे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या, 1 - 2 - 3 - 4 माइनस टू, ये माइनस ये वाला आया, 2 ये आया, और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आएगा, 0, 7 - 3 और 8। नेक्स्ट हम लोग देखते होते हैं कि अब ये हम मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दरमियान में क्या है, माइनस है, तो हम डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अंदर मल्टीप्लाई कराया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 माइनस। अब 2 अंडर मल्टीप्लाई हुआ, 2 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट अब हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, माइनस का, तो माइनस करेंगे, 3 - 0, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे ना। 3 में माइनस होगा 0, -6 में -14, -6 -14, 9 माइनस ये और -6, ये वाला माइनस ये आया और ये -6 के साथ था, ठीक है। नेक्स्ट 12 - 16, तो इसका आंसर क्या आया, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आया 3 - 0 - 3, और ये 9 + 6 हो जाएगा। 9 + 6 किसके इक्वल होता है, 15, -16 - 14 -20, और 12 - 16 - 4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया पार्ट वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट टू। नेक्स्ट टू पार्ट हमारे पास है 2AT ट्रांसपोज -3BT ट्रांसपोज। अब हमें ए तो हमारे पास मैट्रिक्स में पता है कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका ट्रांसपोज चाहिए। और ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो को में, तो रो को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। रो क्या है, 1 - 2, इसको कॉलम बना देते हैं, और 3 4 रो है तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमें बी ट्रांसपोज भी चाहिए। बी मैट्रिक्स हमें गिवन जो है वो 0 7 - 3 8 है, और इसका जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा, इसकी भी हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। 0 7 रो है तो वो कॉलम बन गया, -3 8 रो है तो वो क्या हो गया, कॉलम बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो आपके पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ये है, और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, ये। तो क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ आपने ए को 2 को मल्टीप्लाई कराना है। 2 ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है, 1 3 - 2 4, दरमियान में ऑपरेशन क्या है, -3। बी ट्रांसपोज क्या है, 0 - 3 7 8। अब हम लोग क्या कराते होते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 माइनस, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 ज़ा 9, 21 24। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, माइनस 2 - 0 - 6 माइनस और -9 -4 - 21 8 - 24। तो इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 - 0 - 2 6 + 9, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9 = 15, -4 - 21 - 25, 8 - 24 - 16, ये हमारा सोल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरात बसुम। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें क्या कहता है कि इफ़ अगर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि इफ़ अगर आपके पास ये क्वेश्चन गिवन हो, मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, दूसरा मैट्रिक्स 3 बी एक और मैट्रिक्स हो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसके बाद उसको उसके अंदर ऑपरेशन क्या हो, प्लस का ऑपरेशन हो, तो वो इक्वल है इसके, कहते हैं अगर वो ये इक्वल हो इसके, तो आपने फाइंड क्या करना है, ए एंड बी, मतलब इसके अंदर ए और बी जो है वो इंक्लूड है, इनके आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम लोग क्वेश्चन लेके चलेंगे, 2 - 3 - 4 a + 3, पहले हम जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं,
अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स के पीडीएफ चाहिए तो काइंडली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसका आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। अब हम देखें यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 a, प्लस इसी तरह 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 b 24 -12, और ये जो हमारे पास इक्वल में था ये तो वैसे ही एज इट इज़ आ गया। इसके बाद क्या हम देख रहे हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन प्लस जो है वो अप्लाई कर देते हैं, इनको ऐड अप कर देते हैं, 4 + 3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, +3b -6 +24 2a -12, फिर इक्वल में जो है ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 4 + 3 7 होता है, 8 3 भी तो खैर ऐड नहीं हो सकता, वो तो एज इट इज़ आ गया, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस में 8 तो नहीं आएगा, 18 आंसर आएगा हमारे पास। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 8 आ रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी, ये क्या है क्वेश्चन में 18 ही आ रहा है, ठीक है 18 आ गया। 18 के बाद 2a खैर ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 7 18 10 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 7 आया और यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इसका 7 ही है, और यहाँ पे ऐड होके 18 आया, यहाँ पे हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 18 है, तो इट्स मीन ये दोनों इक्वल सेट्स हैं और ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो हम क्या करेंगे, 8 + 3 b को इक्वल रख लेंगे 10 के, और यहाँ से 2a - 12 को इक्वल रख लेंगे 1 के। ये देखें 7 तो 7 के इक्वल है और यहाँ पे 18 भी 18 के इक्वल है, और ये जो है इधर से हमने वैल्यू निकालनी है तो इनको हम इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल रख लेंगे, वही काम यहाँ पे किया है। 3b एज इट इज़ आ गया, 8 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, 3b 8 10 - 8 2 आंस, बी इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो उधर जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2a एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे माइनस में था 12 उधर जाके प्लस में हो गया, 2a 13 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2 और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/3, ये इसका सॉल्यूशन है।